वेलकम गाइस, क्रिकेट वे दर्पण में आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, दो तीन दिनों से कुछ वीडियो नहीं आई। एक तो भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा, उसके बाद जो दुख हुआ, उसके बाद कुछ दिन तक तो वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी भाइयों। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत मैच को हारा, उसके कारण क्या हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट कोहली को जो लोग कह रहे हैं तो क्रिटिसाइज करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस मैच में केवल विराट की गलती नहीं कही जाएगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तानी पर सवाल जरूर उठेंगे कि आपको जब आप उस छोर से एक जब दोनों छोरों से अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, दोनों छोर से स्पिनर्स थे, आपको स्पिनर्स को उपयोग पहले में लाना चाहिए था, ना कि आप ईशांत शर्मा को बॉलिंग दिए। और कहीं ना कहीं भारत ने डाउन द लेग साइड गेंदबाजी ज़्यादा की, जिसका भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। डाउन द लेग साइड गेंदबाजी करने से क्या हुआ कि बल्लेबाज आराम से पिक कर रहे थे लेग्स में, और लेग्स में उनको चौका बड़े आसानी से मिल रहा था। मैंने मैच को पूरा देखा। और रही बात मौके गंवाना, ये बहुत बड़ा भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। चेतेश्वर पुजारा ने मौका गंवा दिया। उससे पहले अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें, मैं तो समझ रहा हूँ कि 2013 के बाद से 15 का अगर आप 14 का फाइनल देखें वर्ल्ड T20 का, भारत 130 रन बना रहा है। 15 में भारत को इतना रन बना है, 323 भारत की शुरुआत आक्रमण, 7-8 ओवर में भारत 72 रन बना चुका है। शिखर धवन खेल रहे हैं और टीम 95 रन से सेमीफाइनल हार के बाहर हो गई। 16 में एकमात्र मैं जब कहूँगा कि भारत की बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, भारत ने 200 रन बनाया था, लेकिन उस मैच में कॉलर्स ब्रैथवेट और लैंडन सिमंस हो, आपने 9 गेंदबाजी 9 बॉल फेंकने लगे आप, इसलिए आप 16 में आपको हार मिली। 17 चैंपियंस ट्रॉफी, सेम कहानी को दोहरा दिया गया, वही हुआ, भारत की बैटिंग कोलैप्स कर गई। सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कोलैप्स उस मैच में नहीं हुआ, भारतीय गेंदबाजी फिर एकदम बेदम नजर आई। आपने 9 बॉल्स डाले, अपने कैच तो धोनी से पकड़वा दिया, लेकिन बाद में वो बॉल 9 हो गई, वहाँ से भारत का दिल टूट गया, भारत की बल्लेबाजी फिर फ्लॉप हो गई। 19 वर्ल्ड कप, उस बारे में क्या ही जिक्र करें। 14 जुलाई जैसे ही आएगा सबको फिर याद आ जाएगा कि क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, हर मैच ऐसे रिजर्व डे पर गया था, भारत उस मैच को भी जीतने के 43 रन ही चाहिए थे, पर भारत कोलैप्स कर गया और 18 रन सेमीफाइनल से हार के टूर्नामेंट से विदाई ले लिया। इस बार सोचे कि हिस्ट्री क्रिएट करेगा भारत, शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मॉडर्न चैंपियन बने, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बैटिंग खराब, बॉलिंग खराब और कप्तानी खराब। ऐसे में विराट कोहली पर कि कप्तानी पर सवाल उठना तो भाई लाजमी है, ये कैसा कप्तानी इसने किया। हम ऐसे भी किरण मोरे हों, मॉन्टी पनेसर हों, केविन पीटरसन हों, ये लोग ऐसे ही मांग कर चुके हैं कि आप रोहित शर्मा को बतौर वनडे का कप्तानी दें। आप, मेरा मानना है वनडे या T20 में से किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी आपको रोहित शर्मा को फुल टाइम देनी चाहिए। ओके, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, निदहास ट्रॉफी 2018 कौन कैसे बुला सकता है, उनकी शानदार कप्तानी। भले ही बाद में दिनेश कार्तिक को उसका मैच का हीरो बनाते हैं, लेकिन मैच का रियल हीरो तो भाई आपके वही हैं। उन्हीं की कप्तानी में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने 5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि जो टीम है वो ख़राब है, बहुत बेहतरीन टीम है उनकी कप्तानी की। कहीं ना कहीं T20 के बेहतरीन कप्तान में शामिल होंगे। और रही बात भारत के आने वाले मुकाबले, तो बहुत जल्दी आपको भारत टीम दिखेगी, लेकिन भारत की ए टीम नहीं, मैं कहूँगा भारत की बी टीम है, इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी नज़र आएंगे। ये भारत की जो बी टीम है, इनका मुकाबला एक प्रकार से श्रृंखला से होगा। इस सारे मैचों का सीधा प्रसारण आपको सोनी करेगा, क्योंकि सब के मैच के राइट में बताया हुआ है कि जो भी मैच श्रृंखला में होंगे उसके राइट सोनी ने बहुत पहले से ही, लगभग 20 साल हो चुके हैं सोनी के पास ही, वो किसी को देने वाला नहीं है। आज भले हम WDC के फाइनल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि टीम श्रीलंका को हरा देगी, और फिर हम फिर भारत हमारे खिलाड़ी को शाबाशी देंगे कि शिखर धवन को, लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ। श्रीलंका की भी टीम हल्की सी डाउन रही है पिछले कुछ समय से, जैसे शिखर धवन, जैसे कुमार संगकारा, दिलशान, मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, ये सब लोगों ने साथ छोड़ा, उसके बाद टीम काफ़ी कमज़ोर हो गई। सबसे बड़ा महिला जयवर्धन, ये सब जो लेजेंड हुआ करते थे श्रीलंका की बॉलिंग में, रंगना हैरत, इन सब के जाने के बाद श्रीलंका टीम हो गई, साउथ अफ्रीका टीम जैसे अपने लेजेंड्स के लिए, साउथ अफ्रीका की लेजेंड्स ए बी का चले जाना, हशिम का चले जाना, पूरी टीम को डेल स्टेन का निकल जाना, एल बी मॉर्कल का निकल जाना, मोने मॉर्कल को निकल जाना। आज साउथ अफ्रीका की टीम इतनी ख़राब हो गई है कि उसे तो कभी कभी लगता है कि जिम्बाब्वे पटक देगी, लेकिन सही बात है, मैच अच्छा होने की उम्मीद है। उसके बाद भारत को फिर 4 अगस्त से 5 टेस्ट मैच खेलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर से WCTC का साइकिल चालू होगा 2021 से 2023 के लिए, फिर उम्मीद है कि भारत अच्छी रहे जीतेगी। भारत की बॉलिंग अच्छी है और कहीं ना कहीं भारत सबक लेगा और अच्छी मैच खेलेगा इंग्लैंड में, इसकी उम्मीद करते हैं। 2021 कई महीनों में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अभी भारत के क्रिकेट को अगर छोड़ें, ओलंपिक्स भी चालू हो रहे हैं टोक्यो, उसमें भारत की काफ़ी उम्मीद है। साइना नेहवाल से फिर हम उम्मीद करेंगे, हम PV सिंधु से इस बार चाहेंगे कि वो देश को गोल्ड दें, और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो अभी इनको टिकट मिलेगा ओलंपिक में खेलने का, उम्मीद करूँगा कि भारत को इस बार कम से कम 5 गोल्ड दें और भारत का जो स्वाभिमान है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और उसके कुछ दिन बाद क्रिकेट वर्ल्ड T20 2021, उसके भी बहुत जल्दी 30 जून
यानी आज से मतलब 4 दिन बाद हमको ये पता चल जाएगा कि क्या भारत होस्ट करेगा ICC T20 या UAE को दिया जाएगा। भारत में कोरोना केसेस तो रेपिडली कम हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अभी भी एक टेंशन क्रिएट हो सकता है। अभी भी मैचेस को करवाना सेफ नहीं मानता हूँ मैं, इसलिए अब देखते हैं ICC का क्या फैसला होता है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भारत 2021 की T20 की मेज़बानी कर सकता है। अगर मेज़बानी करेगा तो ये अभी से भारत सेमीफाइनल खेल रही है, हर स्थिति में खेलेगी भारत। बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ऐसे ही क्रिकेट के रोज के अपडेट के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल, लगातार वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। इसी लगातार जो भी क्रिकेट दुनिया में खास चल रहा है, आज क्या है खास, उधर बहुत अच्छे अच्छे मुकाबले देखने को मिले श्रीलंका और इंग्लैंड के, जिस पर इंग्लैंड की टीम पूर्ण श्रीलंका पर हावी है। अच्छे मुकाबले और देखने को मिलेंगे। उधर साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच, जहाँ वेस्ट इंडीज़ का सुपड़ा साफ हो गया है और साउथ अफ्रीका ने जीत लिए। ऐसे क्रिकेट वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आप सभी का आभार।